देखते हैं हम लोग एट दिया हुआ है यहाँ पर, थ्री वाई इज ग्रेटर देन सिक्स माइनस का टू एक्स, हम लोग लिखते हैं इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, थ्री वाई इक्वल टू सिक्स माइनस का टू एक्स, या आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू में सिक्स, ऐसे लिख देते हैं। चलिए अब इसके बाद इसका हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान देखिएगा, एक्स वाई, एक्स का जीरो रखते हैं तो वाई का टू आ जाएगा, और वाई जीरो रख देते हैं तो एक्स का थ्री आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर ये वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स इधर एक्स डैश वाई, और यहाँ पर आपका वाई डैश हो जाएगा। चलिए वन टू थ्री, वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। चलिए देखिए इसके बाद जीरो और टू ये रहा, फिर आपका थ्री और जीरो ये रहा, तो इन दोनों से होकर जाने वाला अगर लाइन खींचेंगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से हो सकता है यहाँ से, ठीक है, लाइन डॉटेड होगा कि डार्क होगा, ये डॉटेड होगा क्योंकि सिर्फ इज ग्रेटर देन है, थ्री वाई इज ग्रेटर देन से दिया हुआ है, ये लाइन को डॉटेड कर देता है, ठीक है। अब मेरे पास तो पेंसिल से नहीं कर रहा हूँ ना मैं, तो इसलिए मैं बाद में डॉटेड कर रहा हूँ, आप पेंसिल से शुरू में ही डॉटेड खींच देना, आप भी खींच के मिटाना नहीं, पहले ही डॉटेड कर देना, ठीक है। अब रही बात सॉल्यूशन रीजन की, तो ये आप जीरो जीरो ले लो, इस पर चेक कर लेते हैं, इन इक्वेशन एट जीरो जीरो क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो जीरो पे, तो थ्री इंटू में जीरो इज ग्रेटर देन सिक्स माइनस टू इंटू में जीरो, तो ये जीरो ग्रेटर है क्या सिक्स से, नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, देन सॉल्यूशन एरिया इधर ना होकर अपोजिट में होगा, ये वाला एरिया सॉल्यूशन एरिया हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट।